गौरतलब हो कि सभी स्कूलों की छुट्टी एक समय पर होने के दौरान राजधानी देहरादून की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, जिसके चलते कई घंटों तक जाम जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसे आम जनमानस को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसी बीच राजधानी में जाम की समस्या को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके कारण अब 21 बड़े स्कूलों की समय सारणी में जल्द ही बदलाव होने वाला है, जिनकी सूची भी आपको हम इस खबर में दिखाएंगे। बता दें कि राजधानी देहरादून में जाम की समस्या को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने जिलाधिकारी को क्लस्टर एरिया में स्थित 21 बड़े स्कूलों के संबंध में पत्राचार किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ता है, जिससे सभी को विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक यातायात को क्लस्टर एरिया में स्थित स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन से यातायात के दबाव में पड़ने वाले असर का आंकलन करने के निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक यातायात ने ईसी रोड, राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों के 21 बड़े स्कूलों को चिन्हित किया है, जिनके खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए अजय सिंह ने जिलाधिकारी सोनिका को पत्र भेजकर स्कूलों की समय सारणी में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार इस व्यवस्था को 7 दिन बाद स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले यदि किसी शिक्षण संस्थान को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति होती है तो वो मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, आपत्ति होने पर उसका भी समाधान देखा जाएगा। ये रही चिन्हित स्कूलों की सूची। डालनवाला क्षेत्र, ब्रुकलिन, ब्राइटलैंड, दून ब्लॉसम, कारमन, दून इंटरनेशनल। ईसी रोड क्षेत्र, हिल ग्रेंज स्कूल, मार्शल स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, SGRR, सुभाष रोड, हेरिटेज, सेंट थॉमस, जसवंत मॉडर्न CJM, सेंट थॉमस। राजपुर रोड क्षेत्र, पाइन हॉल स्कूल, GGIC, सेंट जोजेफ्स, स्कॉलर होम, ग्रेस एकेडमी। वहीं नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में शेरवुड और समर वैली स्कूल। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।